देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें ANT नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं ANT। सुबह से यहाँ बैठे बिना पानी चाय बिना खाना खाए मैं आपसे इतना खुश हूँ, तय दिल से आपका आशा मैं धन्यवाद करता हूँ। अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से, मेहता साहब की ओर से और तमाम साथियों की ओर से आप सबका हाथ जोड़ के, सर झुका के धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। इनेलो छोड़ कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में कांग्रेस में आए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनोद मेहता द्वारा काशी के सनातन धर्म महाविद्यालय के प्रांगण में पहली बार एक जनसभा रखी गई। इस जनसभा ने देखते ही देखते एक विशाल रैली का रूप कब ले लिया, ये देखने वाली बात थी। काशी हल्के से हजारों लोग इस महाजनसभा में पहुंचे और उन्होंने विनोद मेहता के लिए विधानसभा सीट की मांग कुलदीप बिश्नोई से कर डाली। तो वहीं विनोद मेहता ने भी अपने संबोधन में जनसभा में उमड़े हुए इस जनसैलाब से कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर डाली और कहा कि इनके मुख्यमंत्री बना दो, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। मेहता ने कहा कि जब रेणुका बिश्नोई खांसी की समस्याओं को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास गई तो उन्होंने उनके खांसी की समस्या का पहले से ही बना हुआ खाका उनके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि हांसी का विकास हो, क्योंकि यदि विकास हो गया तो लोग समझेंगे कि विधायिका रेणुका बिश्नोई द्वारा करवाया गया है और कहीं कुलदीप बिश्नोई मजबूत ना हो जाए, यही सोचकर हांसी का विकास अधर में लटका हुआ है। हमारे रेणुका बिश्नोई जी जो अब विधायक है उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि उन्होंने हमारे सड़कों की, गलियों की, हर हर गाँव की समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखी, जो मैंने पूरी की पूरी लिखित में ली। उनके बारे में मैंने जब पूछा विद्यार्थ से कि ये काम नहीं हो पा रहे तो उन्होंने पूरा चिट्ठा मेरे सामने रख दिया कि एक भी ऐसी हमारी कोई समस्या नहीं थी जो मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखी हो, पर बीजेपी ने वो काम नहीं किए कि कुलदीप बिश्नोई जी कहीं मजबूत ना हो जाए। साथियों, इनको आप मुख्यमंत्री बना दो, कांग्रेस पार्टी में आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आप एक बात और विश्वास दिलाता हूं कि ये कोई भी फैसला लेंगे, कहीं विधानसभा की बात होगी, किसी भी मामले की भी बात होगी, हम सब ऐसे कैसे हाथ खड़े होंगे, विश्वास दिलाओ खड़े रहेंगे इनके साथ। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपको एक विश्वास दिलवाता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी हम आप सबके साथ हैं। लोगों का उत्साह देखते हुए कुलदीप बिश्नोई ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हांसी से उनके एक मजबूत पंजाबी नेता विनोद मेहता के रूप में मिल गया है, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है। हम और आप एक, जैसा मैंने कहा, परिवार की पहचान है, पहचान को मिटने नहीं देना है। मुझे खुशी इस बात की है जब मेहता साहब मेरे पास आए, बड़ी मुश्किल से मानने, बड़ा जोर मारना पड़ा मैंने कि मनाओ, क्योंकि हमें एक सशक्त और मजबूत पंजाबी नेता चाहिए था, एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। पहले तो मिलने चार को नहीं है, मैंने कहा मिला दो, मैं समझाऊं, अगर मेरी बात समझ आ जाए कि हमारा आप एक जैसे हैं, दो को नहीं अजमा के देखना चाहिए, बड़ी मुश्किल से माने। अब मुझे बधाई इनको भी देता हूँ आज के महान विशाल कार्यक्रम की, और दिल की गहराइयों से मैं कहता हूँ कि इनके आने से न केवल हाथी में बल्कि पूरे हरियाणा में हमें पंजाबी समुदाय में एक जबरदस्त मजबूत सशक्त नेता के रूप में मिला। और मैंने इनसे वादा किया था कि हम भाई बन के रहेंगे, तो भाई आज आपको हाजिर नाजिर मान के फिर दोहराता हूँ कि इनको भाई बनाया है और आजीवन भाई तरह निभा के दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा। उन्होंने काशी की जनता को बताया कि इस काशी के लोगों ने उन पर 7 बार एहसान किए गए और उनके परिवार को अपना सेवक चुना गया।
बारे में कहा कि मैंने एक भगोड़े के लिए भी आपसे वोट मांगे थे और आपने उसे भी जिता दिया। उन्होंने कहा कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं ये सारे एहसान सूद समेत उतार दूंगा और आपका सेवक बनकर काम करूंगा। मैं नमन करता हूं आपके आशीर्वाद को, आपके साथ को। जैसा भाई रणधीर जी अभी कह रहे थे कि लगातार 7 चुनाव तो मैंने देखे हैं, अनडिफीटेड। चाहे मेरा भिवानी का लोकसभा चुनाव था, डिलिमिटेशन से पहले ये हाथी हल्का भिवानी में पड़ता था, उस वक्त अजय चौटाला और सुरेंद्र के खिलाफ आपने मुझे आशीर्वाद देकर सांसद बनाया। दूसरा आपने मक्कड़ साहब का चुनाव था, मैं यहाँ आपके इलाके में गांव गांव घर घर घूमा, आपने आशीर्वाद देकर मेरे कहने में मक्कड़ साहब को यहाँ से आशीर्वाद दिया। तीसरा चुनाव मेरे पिता स्वर्गीय जननायक चौधरी भजनलाल जी के लोकसभा का था, उसमें आपने आशीर्वाद दिया। चौथा चुनाव मैं नाम नहीं ले सकता, टिकाऊ मघौड़े का था, उसका भी आपने मुझे मेरे कहने से आशीर्वाद दे के आपने यहां से कामयाब किया, क्योंकि मैं नाम लेना भी अपने तौहीन समझता हूँ। पांचवा चुनाव पूरा नाम लेना, नाम लेते विनोद है पर पूरा नाम लेने से खराब है, पांचवा चुनाव पिताजी के स्वर्गवास के बाद मेरा लोकसभा हिसार से हुआ, उस बाय इलेक्शन में भी हाथी ने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ से कामयाब किया। छठा चुनाव रेणुका बिश्नोई को विधानसभा में आपने यहाँ से कामयाब किया। सातवां चुनाव फिर लोकसभा गया, उसमें फिर आपने मुझे हाथी से कामयाब किया। मैं ये सब कुछ इसलिए याद दिला रहा हूं कि मैं नहीं भूला हूं आपके एहसान, मुझे 2004 तक से अभी तक के याद है, उससे पहले के भी याद है। कुछ लोग बकावा इधर भूल जाए कर जाए काम, तो बहकावा दूर कर रहा हूं, मुझे एक एक एहसान याद है। और एक मौका परमात्मा अवश्य देगा, क्योंकि भगवान के अगर देर है देर नहीं है, आपके सारे एहसान सूद समेत कुलदीप बिश्नोई उतारेगा, ये मेरा आपसे वादा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र की भाजपा सरकार और इनेलो पर कुलदीप बिश्नोई जमकर बरसे और जनता से अपील की कि इनके बहकावे में अब की बार मत आना। आपका ये प्यार, आपका साथ इस बात की भी गवाही देता है कि आप इस मौजूदा सरकार से, केंद्र सरकार से भी कितने बेहतर तंग हैं। लोकसभा का चुनाव था, बड़े बड़े वादे किए गए, विधानसभा का चुनाव था, बड़े बड़े वादे किए गए, आज हालात क्या है? कोई आदमी घर से निकलता है तो परिवार के लोगों को डर रहता है कि पता नहीं शाम को घर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कत्लेआम और फिरौतियों की घटनाएं आम हो गई। हमारी बेटियां स्कूल और कॉलेज जाती हैं तो डर लगा रहता है कि कहीं अगवा ना हो जाए, बलात्कार की घटनाएं आम हो गई। किसान अपनी फसल बोता है तो डर लगा रहता है कि पता नहीं खेता में पानी आएगा कि नहीं आएगा, और डीजल इतना महंगा कर दिया कि ट्यूबवेल चलाने के लिए किसान जब डीजल की जगह अपना खून डालते ऐसा लगता है। कपड़े महंगे हो गए, घर बनाना महंगा हो गया, घर बसाना महंगा हो गया, पढ़ाई महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, अस्पतालों में इलाज महंगा हो गया। क्या इसी को हम अच्छे दिन, इसी को अच्छे दिन कहते हैं? अच्छे दिन की परिभाषा अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जहन में अगर इसे अच्छे दिन और अच्छा कहा जाता है, हमें तो भाई हमारे पुराने पूरे दिन दे दो, हम उससे काम चला जाएंगे। कि जब जब हरियाणा में इनकी सरकार होती है और पंजाब में बादल की सरकार होती है, तब इन लोगों को एक्वाजल का पानी याद नहीं आता। आज बादल की सरकार गई तो कहते हैं कि हम एक्वाजल का पानी हर हाल में जाके देंगे। आपको उस वक्त कितने होता था अगर आप वाक्य में हरा प्रदेश की आपको चिंता थी तो कहते जेल भरेंगे 6 महीने तो मुझे हो गए, साल हो गए सुनते जेल भरने का। मैंने तो कोई जेल भरी देखी को नहीं, केवल समय देखी हो तो मेरा सिर्फ अखबारबाजियां आपको गुमराह करने के लिए। और कहीं कोई लोकदल की बात करेगा, मैं तो इसको शिशु दल कहता हूं, लोकदल नहीं रहा अभी।
क्योंकि एक छोरा बना दिया यहाँ से धोखे से एमपी, छह हल्कों में हम जीते, तीन हल्कों में हल्के हो गए, तब जा लिए बूथ पर, अब की बार देख लेंगे लोकसभा में, कोई बात नहीं, हम भी वही वो भी यही, लोगों में भी तकलीफ है, हमारे भी तकलीफ है। एक चुनाव जो जीतता है उसे चौधरी भजनलाल जी टुक्का तीन टुक्का कहा करते थे, तीन टुक्का लगने पर कहता है मुख्यमंत्री बनूंगा, उससे छोटा उससे भी आ गया, पांच छह लॉन्डों की टोली साथ लिए फिर हो गया, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, चर्चा कब है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पहले एमएलए एमपी तो बन लो फिर मुख्यमंत्री की बात करे, जनता बता दे हरियाणा प्रदेश। और इलेक्शन लड़ना भी शायद वाजिब ना रहे, क्योंकि एक शेर मैं बोलता हूं याद आ गया कि ये है लूट, ये है लूट और खसूट के व्यापारी, ये है लूट और खसूट के व्यापारी, कुछ है जेड़मेर बाकिया की हथियारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में आप जानते हैं दरबार सिर के ऊपर लग रही है, इनका तो जैसा मैंने कहा शिशु दल है, समापन हो गया। अब आने वाले चुनाव की बात मैं करना चाहूंगा, चाहे चलो बूथ कैंपेनिंग से रहे या वो फर्जी सीढ़ी बनाई थी उसके जहर की वजह से रहे, लेकिन रहे हम क्योंकि टेक्निकली तो हारे हैं चुनाव। साथियों अगर वो चुनाव आप जीते होते तो आज हमारे हजार लोकसभा क्षेत्रों कम से कम किसी को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता, आज जो हालात हमारे लग रहे हैं। परमात्मा मौका एक और जल्दी लोकसभा में दे रहा है कि मैं इसलिए समझा रहा हूं, मौका चूकना मत, क्योंकि आप लोग बैठ जाते हो कभी कर्जे माफी के नारे पे, कभी गांव गांव में नोट छापने की मशीन लगा दूंगा के नारे पे, कभी हर अकाउंट में 15 लाख डाल दूंगा उसके नारे पे, कभी अच्छे दिन आने वाले हैं भाइयों बहनों मित्रों कभी उस नारे पे, बहकड़ा नहीं है अपने पराई की पहचान करने, अजमाए हुए लोगों की पहचान करने, अपने पराई की पहचान, अजमाए हुए लोगों को देखिए, हम अजमाए हुए लोग हैं। हिसार जिले में आप जानते हैं ये यूनिवर्सिटियां, ये सड़कें, ये गलियां, ये अस्पताल, ये सब स्वर्गीय जननायक चौधरी भजनलाल जी की देन है। जब जो हमारी सरकारें बनी एक एक महीने में तीन तीन हफ्ते चार चार हफ्ते सारी नहरों में पानी ताजा करता था, हरियाणा में बाढ़ आ गई एक बार, उस जमाने में 93 में आई थी शायद बाढ़, 93 में नायडू जमाने में चौधरी भजनलाल जी ने 3,000, 5,000 और ट्यूबवेलों का 25,000 रुपए तक का कर्जा किसानों को दिया था। हम दुख सुख समझते हैं आप लोगों का, आप और हिसार और हम हिसार पार्लियामेंट में दूसरे की पहचान है, इस पहचान को मिटने नहीं देना है। पहचान एक दिन में नहीं बनती, सारी उम्र संत जननायक स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने आपकी सेवा करी, 30-32 साल मुझे सेवा करते हो गए, हेलुका आपके बीच में है, बेटा आपके बीच में है, आपको इतने सेवक मिले हैं, भाई कला की चौकीदार कह रहे थे भाई चौकीदार मैं नहीं बन सकता, वो एक ने किया था बड़ा, लोग झूठ मारने तैयार हो रहे हैं उसका, मैं चौकीदार नहीं मैं सेवक हूं आप लोगों का, हम और आप जैसा मैंने कहा एक परिवार की पहचान है, सच में पहचान को मिटने नहीं देना है, मुझे खुशी इस बात की है। आप देख रहे हैं ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही।